हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो मैंने एक कॉमेडी टैब में पोस्ट डाला हुआ था कि कुछ आपके क्वेश्चन है तो उनके जवाब मैं दूंगा, तो आज उनके ही जो है मैं जवाब देने वाला हूं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बाद में घंटी को जरूर दबा दे और पाए वीडियो को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो सबसे पहला जो यहाँ पे सवाल है ये है फतेह सिंह का। ये बहुत बार वीडियो पे कमेंट कर चुके हैं, लेकिन मैंने इनका ये भी जो कमेंट है ये मुझे अच्छा लगा और मैंने ये है जो है पिक किया है। ये है जोधपुर फौलादी से और ये कहते हैं कि भाई मैं किसी भी ड्राइवर से पूछता हूँ कि मुझे गाड़ी पे रख लो, मुझे गाड़ी सीट नहीं है, तो मुझे कोई नहीं सिखाता है और बोलता है कि तू गाड़ी के लफड़े में मत पड़ और गाड़ी मत सीख, ये बेकार है। देखिए, जो ऐसा बोलता है वो आपका जो भला चाहता है वही बोलता है, क्योंकि गाड़ी जो चीज है वो सबसे लास्ट में होती है, सबसे लास्ट में जो काम रह जाता है उसे गाड़ी बोलते हैं। इसके अलावा बहुत से काम होते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ नौकरी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ कि जिसमें आपका मन लगता हो, काम करने में जिसमें मन लगता हो उस काम को करिए, क्योंकि वो काम आपको आगे तक ले जाएगा जिसमें आपका मन लगता है। अगर आपका मन किसी काम में नहीं लगता है और उस काम को आपको दे दिया जाए तो उस काम आप नहीं कर पाओगे। तो आपका जो मन कहता है वो करिए, कोई नहीं ले जाता तो सभी ऐसे नहीं मिलेंगे ड्राइवर कि आपको नहीं ले जाए, कोई ना कोई तो ड्राइविंग सिखाई देगा। और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे मनीष विश्वकर्मा, ये पूछता है कि भाई माइलेज कितना देता है आपका गाड़ी। तो मेरा गाड़ी जो है 4.25 या 4 के करीब जो है माइलेज दे देता है पर किलोमीटर के डीजल का, तो ये मेरा माइलेज है गाड़ी का। और रमन कुमार गाड़ी के तिरपाल बांध के दिखाई, देखिए भाई मैंने जो है शुरू से लेके अब तक फिलहाल मैंने जो बंद कंटेनर की गाड़ी चलाई है आज तक मैंने जो है रस्सा तिरपाल की गाड़ी नहीं चलाई है। तो बांधने की बात रही तो जो अकेले होते हैं वो भी बांधते हैं, क्योंकि काम किसी के बगैर नहीं रुकता है। अगर आप कोई भी काम करते हो किसी के पास जाकर, अगर वहां से आप उस काम पे से हट जाओगे तो दूसरा व्यक्ति वहां पे तुरंत आ जाएगा। तो अकेला आदमी हो या दो हो, जो काम होता है अगर गाड़ी पे रिश्तेदार बंधेगा तो बंधेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी है दो आदमी, थोड़ी मुश्किल आ सकती है लेकिन काम होगा जरूर। और चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कैलाश साहू का कि गाड़ी की पूरी जो है वीडियो, भाई एक दिन मैंने काफी वीडियो बना रखी है लेकिन पूरी गाड़ी मैं जो है तेल की गाड़ी चलाता हूँ, तेल की गाड़ी है तो उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरी गाड़ी देखने में कुछ नहीं है, तो एक व्लॉग बना देंगे पूरी गाड़ी का तो उसको आप देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर हल्दर का, लाइसेंस कैसे रद्द होता है। ये हमारे बहुत ही प्यारे व्यूवर्स हैं, तो लाइसेंस के बारे में बात करूँ तो रद्द के बारे में सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कभी भी जिंदगी में ज्यादा बड़ा रिस्क मत लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं आपको फुल ड्राइविंग आती है और उसके बावजूद भी यहाँ पे एक डुप्लीकेट जो सरकारी उसको नहीं मानते, डुप्लीकेट एक लाइसेंस बनवाते हैं 100-200 रुपए का, ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं होता है। 1 या 2 साल बाद आप गाड़ी चला लीजिए, लेकिन एक सरकारी महकमे से बना हुआ, आदियों से बना हुआ अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, चाहे उसके लिए आपको कितना ही कुछ करना पड़े। अगर आप बनवाते भी है किसी दलाल से तो अच्छी जानकारी के द्वारा बना हुआ हो, नेट पे उसकी जो है नंबर चेक कर ले जब उसको देखे, अदरवाइज। और रद्द की बात करें तो अगर आप फिलहाल इस टाइम जो कानून चल रहा है, अगर आप किसी के साथ या किसी आपकी गाड़ी के साथ आप जब ड्राइविंग चलाते हैं 3 बार अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या ज्यादा गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाता है और आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे पिक किए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे उनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।